इसको ये सब मना है। तो मैं आई हूँ यहाँ मॉल में, तो दोनों फ्लैट है। सफोकेशन हो गई, बारिश बंद हो गई ना। ये नाम दोनों में छाप देना। अच्छा सा फूल बनाओ भैया। तो ये है मोमोज, इसलिए हम रुके हैं मोमोज की दुकान पे। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल है तीज। तो तीज की आज हम लोग सारी तैयारियां कर लेंगे और कल सेलिब्रेट करेंगे तीज को। अभी घर में चल रही है सफाई। अरमान जी और गोलू चले गए हैं जिम, चीकू गया है नीचे खेलने। तो चिपकन आ चुका है नीचे और वो खा रहा है खाना। ये सारे कपड़े जो है प्रेस के लिए जाने हैं, यहाँ पे साइड पे रख दिए, अभी बांध कर भेजती हूँ नीचे। तो चीकू आ चुका है नीचे से खेल के, पूरा पसीने में लथपथ है, बिल्कुल काला हो रखा है। अब मैं जा रही हूँ उसे शावर दिला देती हूँ पहले। शावर दिलाने के बाद लंच कराती हूँ, तब तक इसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर से ट्यूशन भेज देती हूँ। चीकू का आ गया यहाँ पे पनीर का पराठा और दही। चीकू नहा चुका है बिल्कुल, अब इसको नहला के मैं भेजने वाली ट्यूशन। तो चीकू का शावर हो गया, चीकू का खाना हो गया, अब थोड़ी देर देखेगा ये अपना आईपैड देखेगा, फिर ये जाएगा ट्यूशन पढ़ने। तो भाई जिम्मी और गब्बर ने बहुत मस्ती करी है चीकू के साथ। अभी ये लोग थक के सो गए हैं, खाना वाना इनका हो चुका है। गब्बर थोड़ी सी बात से उड़ जाता है, लेकिन जो जिम्मी है ना, ये फुल नींद पूरी करता है। तो मेरा शावर भी हो चुका है, मैं नहा दूं के हो गई हूं रेडी, बस अभी कपड़े चेंज कर लूंगी जब गोलू आ जाएगी। तो गाइस मैं भी आ गई हूँ जिम से, और आज का वर्कआउट भी मेरा बहुत अच्छा था। आज मैंने करे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, और आज मैंने पहनी है न्यू टी शर्ट जो मैंने कल ली थी। तो गोलू का भी शावर हो गया है, गोलू हरी है पनीर का परांठा चुपके से खा रही है, क्योंकि आजकल ये डाइटिंग पे रह रही है ना, इसलिए इसको ये सब मना है, फिर भी खा रही है। मैं और पायल बिल्कुल रेडी हो गया मार्केट के लिए, और आज करेंगे पायल के लिए स्पेशली शॉपिंग, क्योंकि कल पायल वन पीस नहीं ले पाई थी। तो मैं चाहती हूँ आज कोई अच्छा सा वन पीस मिल जाए, साथ में चप्पल मिल जाए, ताकि पायल की भी शॉपिंग हो जाए कंप्लीट। काफी सारे ना मैंने कमेंट पढ़े थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृतिका मैम अपने बालों में ना कॉम्ब नहीं करते, तो पायल सच बताएगी मेरे बालों के बारे में कि पायल क्या राज है। ये कॉम्ब करती है, पर इसके बाल ही ऐसे क्या, मेरे बाल ही ऐसे। अब मैं कॉम्ब करके आई हूँ ना, एक घंटे बाद देखूंगी बाल ऐसे खराब से हो जाएंगे ना, मतलब इतना बुरा टेक्सचर है मेरे बालों का, जब बारिश आती है ना तो और भी खराब हो जाती है। और पायल के बाल ना ऐसे बाल है कि बिना कंघी के भी ना ऐसे लगते हैं ऐसे कंघी करी हुई है। तो यहाँ पे जब हम अभी देखने आए ना सूट, तो यहाँ पे सारे सूट बहुत हैवी हैवी है, और हैवी पहनने का भी मेरा मन नहीं है, मेरा बिल्कुल लाइट सूट पहनने का मन है। तो ये बोल रहे हैं ऊपर वाले आप फ्लोर पे चेक कर लो, वहाँ आपको लाइट वेट मिल जाएगा। तो पहले ऊपर चल लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे में दिखाओ ना और अच्छा तो लग रहा है। बट पायल इसके नीचे व्हाइट वो है प्लाजो, कुछ मतलब भैया ऐसा दिखाओ जिसमें व्हाइट ना हो, क्योंकि तीज के पर्पस के लिए चाहिए। बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा ही सूट कहती है पायल। कुछ टाइम पहले तूने सूट नहीं पहना था जो ऑनलाइन आया था पिंक? याद नहीं मुझे, बोलो ये पायल। नहीं नहीं मुझे इसकी ये सूट ना लॉन्ग टाइम वाली नहीं होती, ये वाली की ग्रेस बहुत अच्छी आ रही है ये सूट की ना, जब तू पहनेगी ना इसकी ग्रेस ज्यादा अच्छी आएगी। इसमें कलर लग रहा है, इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। तो मैं आई हूँ यहाँ मॉल में, अब यहाँ डब्लू लक्षिता और बीबा बहुत सारे शोरूम में देखती हूँ, यहाँ पे कुछ पसंद आता है। चप्पलें भी है, बोलो वो ट्राई करके आई। मैं क्यों मीशो जाना? तो मीशो ही तेरी छोटी ड्रेस है, मेरी लंबी ड्रेस है, चेंज कर गया। भैया कभी भी शॉपिंग करनी हो, चाहे इसे करनी हो चाहे मुझे करनी हो, ट्राई हमेशा मैं करती हूं। जा ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई करके जा। ट्राई कर रही तो ट्राई करके आ जा, ट्राई करके आ। मैं तब तो कुछ इसके मैचिंग का कुछ देखती हूँ। सुंदर तो लग रहा है, हाथ से टाइट है। तो मुझे तो वैसे भी साइज बड़ा लेना है। हाँ मैं वही कहती हूँ, साइज मत लियो, मुझे भी टाइट आ रहा है। एल दे देना या एक्सेल दे देना। एक्सेल ज्यादा लूज हो जाएगा। गोलू मैंने तेरे लिए ये लिया है इयररिंग्स ना, अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे ना। हाँ। और ये अपने साथ इसके लिए, हाँ अच्छे लग रहे सूट के साथ, बिल्कुल मैचिंग पेयर हो गया। बोलो ये देखिए, ये सुंदर लग रही है मुझे सबसे अच्छी। हाँ, है ना, कंफर्टेबल भी रहेगी और सूट पे सुंदर भी लगेगी ना। हाँ। भैया इसका साइज दे दो। तो मैंने लिए ये दो चप्पल और बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया, 1200 रुपए में दो मिल गई। तो दोनों फ्लैट है क्योंकि मैं आजकल फ्लैट पहन रही हूँ। तो भाई बस निकल रहे हैं क्योंकि नितिन भैया चीकू के साथ बाहर वेट कर रहे हैं हमारा। नितिन भैया लेके जाएंगे हमें घर, घर नहीं जाना अभी, तो मार्केट जाना, मेहंदी लगवानी है और भी सामान लेना है शगुन का। तो अभी मैं और गोलू पहुंच गए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। पहले ढूंढ लेते हैं मेहंदी वाला, किससे लगवानी है, अच्छी सी मेहंदी लगवानी है। और एक घंटा तो लगेगा ना, एक घंटा लगेगा बस बारिश, एक घंटा। और धूप सफोकेशन हो गई, बारिश बंद हो गई ना। चल ढूंढते मेहंदी वाला। तो वही फाइनली हमारी जो मेहंदी है स्टार्ट हो गई है मेरी और पायल की। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि ना अभी जस्ट बारिश आई थी, उसकी वजह से इतनी सफोकेशन हो रही है। बट ठीक है, जो काम जरूरी है वो जरूरी भी है। भैया सुनो, ये जो नाम है ना, ये नाम दोनों में छाप देना है। तो ऑलमोस्ट हमें एक घंटा लगेगा मेहंदी कंप्लीट करवाने में, क्योंकि जो हमारी मेहंदी लग रही है बहुत ही डिटेलिंग में लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर 10 मिनट में ऐसी हालत हो गई, एक घंटा कौन बैठेगा? मैं तो ये सोच रही हूँ यार, पीछे ना फूल पत्ता बनवा दूँ, पूरे हाथ तो नहीं भर सकती है। पायल सुन, मैं क्या कह रही हूँ, इस हाथ पे तो हमने 3D मेहंदी लगवाई है, इधर 2D लगवा ले। नॉर्मल मेहंदी को 2D बोलते होंगे, ठीक है?
इतनी देर बैठ नहीं पा रहे यार हम भैया। तो भाई एक पानी की बॉटल में निपटा चुकी हूँ, इतनी गर्मी है कि कुछ मन ही नहीं कर रहा खाने का। बस ये है कि पानी पीते रहो और अपनी प्यास बुझाओ। ये इसको भी लगा दो एक फूल। अच्छा सा फूल बनाओ भैया। हाँ सुंदर सा बनाओ। लो हाई फाई कर दो। इस वाले हाथ से नहीं। हाई फाई, वेरी गुड। यार बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब तो मुझे भी भूख लगने लग गई। यार भूख से तो मुझे भूख लग रही है, कुछ नहीं खाएंगे कैसे। तो गाइस मेरी मेहंदी हो गई है कंप्लीट दोनों हाथों की। इधर मैंने नाम लिखवाया इनका, इधर पायल का, इधर चीकू का। तो पायल बोल रहे गोलू दो चार नाम और रह गए तो वो भी लिखवा दे। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, और सोसाइटी का एड्रेस भी लिखवा दे। मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक है इतना काफी है। भैया ये वाली जो फिंगर थी ना मेरे खाली थी, तो पायल ने बोला कि गोलू उस पे घंटियां बनवा। तो मैं इस पे घंटियां बनवा रही हूँ, देखो तीन घंटियां। मैं तो सोच रही हूँ इधर मैं तीन दिल बनाऊं और इधर क्या बनाऊं, पत्ते। मतलब बहुत इनोवेटिव मेहंदी होगी, मतलब इसके पीछे ना बहुत राज छुपा है। देख इधर मैंने घंटी बनवा ली है, ठीक है मंदिर की। इधर मैंने दिल बनवा ली है। मैं इधर समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं ना रसगुल्ले बनवा लेती हूँ, मेरे खाने का मन कर रहा है। छोले मुझे बहुत पसंद है, और चाउमीन थोड़ी सी। इधर ऊपर वाली उंगली में चाउमीन बना ले, नीचे मोमोज। अरे एक चीज तो भूल गई, क्या घेवर? हाँ घेवर तेरी। हाँ यार भाई एक काम करो, आप इधर मोमोज बना दो, पनीर वाले बना ना। पनीर नहीं आएगा ना बिल्कुल। मैं डाल दूंगी बना। तो भाई मेरी मेहंदी जो है फाइनल लग चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मोमोज, ये है समोसा, ये है मेरा डम्बल क्योंकि मैं जिम डेली जाती हूँ, और मेरा वेट अभी 63 है। तो वो भी तो ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था। अच्छा ना भैया। तो मैंने बनवाई है राखी, राखी भी आने वाली है ना, इसलिए मैंने राखी अभी बनवा ली। मेहंदी हो गई, अब हम जा रहे हैं घेवर लेने। ये समोसा हमने कल खाया था, जिम ये रोज करती है, 1 किलो वेट इसने कम कर लिया, 63 हो गया, बस रह गया मोमोज। तो इसका मोमोज खाने का मन है क्योंकि मोमोज बना हुआ है, इसलिए हम रुके हैं मोमोज की दुकान पे। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं था घेवर लेने के लिए, तो हमने सोचा हम कल ले लेंगे, और आज मेहंदी भी है हाथ में, फिर मेहंदी के साथ जगह जगह जाएंगे, मेहंदी भी खराब हो जाएगी, तो कल लेंगे घेवर। हॉस्पिटल ले चलूं बेटा? क्या हॉस्पिटल ले चलूं? अभी नहीं। कब जाओगे फिर? बाद में। बाद में कब? चल ले बेटा, बहुत जरूरत है तुझे हॉस्पिटल जाने की। हाँ मेरी चाय आ गई है, चाय पी लेती हूँ। और मैंने मेहंदी ना जो ऊपर ऊपर से होती है जब गिरती रहती है घर में ना, वो हटा दी है सारी। तो अभी तक मैंने ना पानी में हाथ नहीं डाला, और मेरे जो मेहंदी का कलर है वो इतना जो चढ़ गया है, कल तक तो पूरा चढ़ जाएगा। तो भाई जिमी और गब्बर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं साइलेंट में, समझ नहीं आ रहा। बस थोड़ी थोड़ी पूंछ यहाँ से हिलती है, थोड़ी थोड़ी पूंछ वहाँ से हिलती है। आई मेरी शोनी जो ना बच्चे, गबरू आई मेरा गबरू है, और ये मेरा जिम है। गोलू आज भी नहीं आया ड्राइविंग क्लास वाले अंकल, तो तेरा कल का भी रह गया, आज का भी रह गया, अब 2 दिन छुट्टी है। मैं तो भूल ही गई, अब क्या करना था। अभी अब मेरे को थोड़ी याद रहेगा, अब 4 दिन बाद तो भूल जाऊंगी, दोबारा सीखना पड़ेगा सारा। सारा नहीं मतलब थोड़ा भूल गई ना, स्टीयरिंग का तो याद है, क्लच में हाथ टाइट था थोड़ा सा भूल गई। अब चल कोई बात नहीं, फिर सीख लूंगी। इतना थोड़ी जल्दी, ये तो सब दिमाग में रखने वाली चीज होती है, बोलने वाली थोड़ी होती है। तो पहली बार ना मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, देखो यहाँ भी हुआ है और यहाँ पे भी कहीं पे हुआ था, यहाँ पे भी। मुझे कभी पिंपल्स नहीं होते, पर मुझे जो इंजेक्शन लगे हैं ना अभी IVF के लिए जो इंजेक्शन लगे थे, उसकी वजह से ना बॉडी में बहुत गर्मी हो गई, तो पिंपल्स निकल गए। अदरवाइज मुझे कभी पिंपल नहीं हुए लाइफ में। तो गाइस ये वाला व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस हमारा गाना आ चुका है, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, जाके गाने को चेक कीजिए और कमेंट से भर दीजिए आपको गाना कैसा लगा, और नंबर 1 रिकॉर्ड्स को भी जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।